आज हम यहाँ जानेंगे 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर यहाँ की जनता की क्या राय है, जमीनी हकीकत जानेंगे, अब की बार किसकी सरकार बनेगी। तो साथियों आइए सुनते हैं किसकी सरकार। देखिए अभी जो चल रहा है समय, तो उस हिसाब से हम कहना चाहेंगे कि या तो जो है बसपा आ सकती है या सपा आ सकती है, क्योंकि भाजपा तो आएगी नहीं, क्योंकि भाजपा के सरकार में जितनी भी गुंडागर्दी चली है उतनी किसी के सरकार में नहीं हुई है। और जितना भी बलात्कार और अत्याचार, जितना भी शोषण उत्पीड़न हुआ है, ये सब भाजपा के सरकार में हुआ, 90% हो चुका है जो है, और सरकारों में इतना नहीं हुआ था। इस सब कुछ मतलब ये सरकार को देखते हुए हम लोग जो है इस ये मतलब कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जितने भी कार्य हुए हैं उनसे आप कितने खुश हैं? देखिए हम खुश तो नहीं हैं बिल्कुल भी, क्योंकि मोदी कहते हैं कि विकास करेंगे, विकास तो विकास ही लोगों के लिए जो है ये खाने का रोजी रोटी नहीं होता है, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए और लोगों को सुविधा चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, इससे लोगों का पेट भरेगा, विकास से पेट नहीं भरता है। ठीक है, सड़कें हमें खाने को नहीं देती हैं, चलने को तो हम वही खान पेट में अगर चारा रहेगा तो हम वैसे भी चल लेंगे। तो इस जो है समय को देखते हुए हमें शिक्षा और विकास और रोज़गार चाहिए। जो शिक्षा और विकास रोज़गार की बात करेगा हम उसी सरकार को चुनेंगे। जिस तरह से आपने कहा आपकी बार सपा या बसपा, तो देखा जाए तो आप 10 नंबर में से सपा को और बसपा को किसको ज़्यादा नंबर देंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री बहन जी, जैसा कि जो है 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उन्होंने जो है संविधान को का पालन करते हुए हमेशा सरकार चलाने का काम किया है। उन्होंने कभी जातिवाद या और कुछ नहीं किया है, लोगों को जो है एक समान देखा है, संविधान का पालन करते हुए उन्होंने सरकार चलाया है। तो उन पे भी जो है सोच विचार किया जा सकता है कि वो उनको सत्ता में लाया जाए जो है। अच्छा, तो हमारे साथ में एक और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे आपकी क्या राय। इस बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी, जिससे कि हमें अभी आज 4 साल हो गया वैकेंसी आती नहीं है, वैकेंसी आती है तो कोर्ट में चली जाती हैं। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड की तैयारी चल रही है इस समय, ठीक है, और सोच रहे हैं अब वैकेंसी आए, कोई वैकेंसी आए। लेखपाल की मैं लगते हमारे यहाँ शादी पड़ी थी, ठीक है, वहाँ पेट का फार्म आया लॉकडाउन में कोई वैकेंसी नहीं आती थी, पेट का फार्म आया, हम भर ही नहीं पाए। इस बार बहन कुमारी मायावती जी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि हमें मान और सम्मान चाहिए, शिक्षा चाहिए, और शिक्षा का निरर्थक अधिकार नहीं मिल रहा हमें। देखा जाए तो 85% के लिए एक पार्टी और आ रही है, उसके चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनकी पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी। तो क्या उनका भी उनको पार्टी को भी वोट जाएगा आपके समाज से? हाँ, हमारे समाज से आज़ाद समाज पार्टी को वोट जाएगा, चंद्रशेखर भैया जी को, जो कि हमारे भीम आर्मी के चीफ हैं, और उनको हमारा समाज काफ़ी सपोर्ट करता है, युवा भी सपोर्ट करते हैं। आने वाले टाइम में जैसे माहौल होगा उसी हिसाब से वोटिंग पड़ेगी। अच्छा, जिस तरह अगर हमारे विधानसभा चुनाव में अगर वोट बसपा को जा रहा है तो हम अपना वोट बेकार नहीं करेंगे, हम बसपा को वोट देंगे। अगर ये चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट जा रहा है, अगर हमारा पिछड़ा समाज आज़ाद समाज पार्टी को वोट दे रहा है, तो हम आज़ाद समाज पार्टी को वोट देंगे। हमारे साथ में और भी साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव में इनकी क्या राय है। 2022 की आगामी चुनाव में बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी, ये हमारा दावा है। चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण जो भीम आर्मी के चीफ हैं, हम उनको ये कहना चाहेंगे कि वो बहन जी से जो है हाथ मिलाकर अपना जो है ये पार्टी को जो है मजबूत करें और इनको जो है चुनाव में भारी से भारी मतों में। आपने अभी कहा कि बहन जी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण को हाथ मिला के काम करना था, लेकिन वहीं बसपा के मुखिया बहन मायावती चंद्रशेखर आज़ाद को कहती हैं आरएसएस का एजेंडा है, उस पर क्या राय है? आरएसएस का एजेंडा, देखिए आरएसएस का एजेंडा जो है वो आरएसएस के लोग ही कहते हैं, ठीक है, बहन मायावती जी नहीं कहती हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बसपा और आसपा को लेकर जिस तरह से देखा जाए, गठबंधन चाहते हैं या बसपा को या आसपा को वोट करना चाहते हैं? बसपा या सपा को? नहीं, बसपा या आसपा को वोट करना चाहते हैं। आसपा के आज़ाद समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, ठीक। तो आज़ाद समाज पार्टी को हम यही कहना चाहेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट करें और उन्हें मुख्यमंत्री बनाएं,
ये सर्व समाज के लोगों के लिए जो मैम काम करती हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, और सबसे ज़्यादा तो इनका जो लाइन ऑर्डर है वो काफ़ी मजबूत है, इस पर ज़्यादा विचार करना। आपके कहने का मतलब है आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर सरकार बनाए? ठीक है, देखिए 2022 में जो है हम लोगों का ये कल्याणपुर ग्रामवासी हम लोग, और 2022 क्या हम लोग हरदम जो है बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत से ग्राम सभा कल्याणपुर से हरदम यहाँ पर उनकी जीत हुई है और भविष्य में होती रहेगी, इसमें किसी बात को सोचने का विचार मतलब नहीं करेंगे, ये हरदम जो है बहन कुमारी मायावती की जीत यहाँ पर बनी है और बनी रहेगी। वहीं देखा जाए तो जो इस समय सरकार चल रही है योगी सरकार, उससे उसके कार्यकाल से कितना खुश हैं आपको क्या नजर आता है कि काम हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं, ये सही कह रहे हैं आपकी, योगी सरकार जो है अभी शिक्षा के मामले में देखा जाए तो बहुत ही निम्नवत स्तर पर चली जा रही है, जो कि हमारे भाई बंधु जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा में अभावता का परिणाम देखा जा रहा है, और जो है उच्च क्लास के लोग जो हैं उनके पास पैसा है वो लोग कहीं ना कहीं जाकर कोचिंग या कहीं जाकर बाहर वो पढ़ाई कर रहे हैं, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है वो इस समय शिक्षा से अछूत हो रहे हैं। इस समय जो रोज़गार और महंगाई बेरोजगारी पर भी बात होनी चाहिए। जी जी जी, ये आप सही कह रहे हैं कि इस समय समाज में हम लोग देख रहे हैं कि जो रोज़गार और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। देखिए रोज़गार का मामला जो है अभी आप जब लगभग 2-3 साल ऐसे लगभग होते जा रहा है, कोई भी हमारे समाज के लोगों को सही तरीके से जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है, कई वैकेंसियाँ निकली वो रद्द होती जा रही हैं और आगे भी पेंडिंग में वो डाला जा रहा है, और कहीं भी हमारे समाज को उचित मार्ग रास्ते पर जाकर कहीं भी शिक्षा के मामले में कहीं नौकरी का प्रावधान स्पष्ट नहीं नज़र आ रहा है। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, वो जहाँ पर बेरोजगारी और क्या कहते हैं भुखमरी की बात है, तो वहाँ पर अभी इस समय योगी सरकार ने जो है कुछ महीनों से जो है राशन के लिए फ्री में सेवा दे रहा है, उसके तहत हम लोगों को गरीब जनता को जो भी थोड़ा बहुत जो लाभ मिल रहा है उससे ज़्यादा हम लोग गरीब जनता अनेक महंगाइयों से जूझ रहे हैं। 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं जो मिल रहा था। कहने का मतलब है योगी सरकार के कार्यकाल में आप 10 नंबर में से कितने नंबर देना चाहते हैं? देखिए हमारे हिसाब से योगी सरकार के हमारे हिसाब से जो कार्यकाल चल रहा है वो अभी इस समय 6 नंबर हम देना चाहते हैं, और जो भी मायावती का प्रशासन था जो भी कार्यकाल था वहाँ पर जो भी उनकी जब भी उनकी सत्ता आई थी और सत्ता रही है और वो समाज के लिए खुल बढ़ चढ़ कर काम किए हैं और समाज में नौकरी देने का काम किए हैं और अनेक प्रकार की बुराइयों और अच्छाइयों को देखकर उन्होंने समाज के लिए अच्छा हिताय काम किया है। आप जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं? जी, हम लोगों का आजकल जो है बहुजन समाज पार्टी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। जी जी जी, ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए ब्राह्मण सम्मेलन जो हो रहा है उनके तत्वानुसार जो अपने नियमानुसार वो लोग जो कर रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी के समक्ष ये पार्टी हम लोग यही एक उद्देश्य है कि हम लोग ब्राह्मण समाज और जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं ये लोग एक सिस्टम में मिलकर आपकी बहन जी को पूर्ण बहुमत उनको जो है पार्टी में लाकर मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज जानता है कि जो भी शासनकाल शुरू से लेकर आज तक चला वो बहुजन समाज पार्टी में सबको न्याय और हिताय का काम हुआ, इसीलिए ब्राह्मण समाज इनसे लगा हुआ है। आपने कहा हिताय और सुखाय पे काम हुआ। जी, पहले नारा ये था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जी, आज नारा बदल दिया गया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया। जी, जी, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। जी जी, सही आप कह रहे हैं कि देखिए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय में हर एक वर्ग के लोग आते हैं, और यही बहन कुमारी मायावती जी का लक्ष्य है कि सब समाज मिलकर एक संगठित होकर और इस सत्ता को लाए और बहुजन समाज को आगे बढ़ाए, क्योंकि इसी हर एक व्यक्ति हर एक समाज के वर्ग का यही सोच है कि इस पार्टी में ही हमारी भलाई है, इस पार्टी में हमारा रोजगार है, इस पार्टी में हमारी शिक्षा है, इस पार्टी में हमारा हर एक कार्यकाल सब सही है। आपने कहा कि सर्व समाज मिलकर पार्टी बनाए। जी, लेकिन ये जो पार्टी है कहा जाता है कि मानवर कांसीराम साहब के बताए हुए रास्ते पे चलती है। मानवर कांसीराम साहब का रास्ता 85 और 15 का था। जी जी,
तो उस पर भी बात होनी चाहिए। जिधर से आपने सर्वजन की बात की उस पर भी देखिए, सही कि आप कह रहे हैं कि वो जो समय था जो जब ऐसी परिस्थितियां थी, मानवर कांसीराम थे, ऐसी परिस्थितियां थी कि लोग बार जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे बहुत अधिक कम सपोर्ट मतलब कि एससी या शेड्यूल कास्ट को करते थे। आज देखा जा रहा है भागीदारी, क्योंकि सत्ता अच्छी चली बहन जी की और भागीदारी में सभी ब्राह्मण वर्ग अनेक वर्ग के लोग इसमें समाहित तो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इससे ये बहन कुमारी ने ये नारा लगाया कि मतलब कि इसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम हो, सबको एक प्रकार से एक निर्देशानुसार न्याय मिले। देखा जाए तो एक पार्टी और निकल कर आ रही बहुजनों के लिए जी, वो पार्टी आजाद समाज पार्टी जी, है। अगर आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर लेती जी, है जी, तो क्या कितना अच्छा पड़ेगा। देखिए हम हमारे यहाँ तक सोच है, जो भी आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर चीफ आजाद हैं, मेरी सोच जहाँ तक है कि ये अपने समाज के लिए दोनों लोग लड़ रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी भी लड़ रही हैं और आजाद चंद्रशेखर आजाद भी लड़ रहे हैं। ये अपने ही समाज, ये हर एक समाज के लोगों को मतलब जो भी अनेक प्रकार की परेशानियाँ हो रही हैं उससे ये लोग लड़ने के लिए तात्पर्य हैं। और भविष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ, भले भी बहन कुमारी मायावती ऐसी बात रख रही हैं, मगर एक समय ऐसा आएगा कि सब ये एकजुट हो जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता बनेगी। जिस तरह से आप लोगों ने देखा इस ओपिनियन पोल में, सभी लोग चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर सरकार बनाएं। साथियों इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।